हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओल एग्जाम पेपर में दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा दस के सामाजिक विज्ञान के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों तो बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की और इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की आपको पहले आपको एक फेस्ट क्वेश्चन से दस क्वेश्चन तक आपको एक एक नंबर के हैं और जो ग्यारह से उन्नीस तक है वो दो दो नंबर के हैं और बीस से छब्बीस तक हैं वो आपको चार चार नंबर के हैं और सताईस से उन्तीस हैं वो आपको छः नंबर के हैं और जो अट्ठाईसवा क्वेश्चन है वो सात नंबर का है तो आपको शब्द सीमा में दिए हुए हैं देख सकते हैं आपके सामने कि डेढ़ जो आपके निम्द में वो डेढ़ सौ शब सीमा में लिखने हैं और अति लघुरात्मा क्वेश्चन है वो बीस शब्दों सीमा में लिखना है वो लघुरात्मा चालीस शब्दों में आपको आंसर देना है तो बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की क्या आ जाता है कि मितसरा क्या है दो नंबर क्वेश्चन आता है मैं मुठ्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की संतुलज को खो देता हूँ यह कथन किसका है नंबर आ जाता है लोकतांत्रिक शासन की दो विशेषता बताने आपको चार नंबर क्वेश्चन आ जाता है किस योजना के तहत ए एन एच नंबर आठ को छ से लेन राजमार्ग से बदल दिया गया है और पांच नंबर क्वेश्चन आ जाता है भारत में आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य बताने आपको छ नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि एन आई टी आई आयोग सहकारी जो संघवाद है कैसे बढ़ावा देता है सात नंबर क्वेश्चन आ जाता है बारहवीं पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है आठ नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में गरीबी तथा बेरोजगारी के अनुमान लगाने हेतु समग्र संकलन का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है तो ये एक एक नंबर के हैं तो आपको इसका आपको इसका शब्द सीमा में देना है नंबर क्वेश्चन आ जाता है घर्षण बेरोजगारी किसे कहते हैं दस नंबर आ जाता है मुद्रा स्थिति को कैसे मापा जाता है ग्यारह नंबर क्वेश्चन आ जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है बारह नंबर क्वेश्चन आ जाता है टांका व जोहड में क्या अंतर है बताना आपको और तेरह नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक औद्योगिक फसलें क्या है व्यावसायिक फसलों के कोई चार उदाहरण देने आपको चौदह नंबर क्वेश्चन है कि खनिज तेल से क्या आशय है इसके उपयोग लिखने आपको पंद्रह नंबर क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान के अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिकरण के राज दृष्टिकोण से एक पिछड़ा राज्य है विवरण आपको देना है सोलह नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दो की मुख्य विशेषता क्या है सत्रह नंबर क्वेश्चन कि स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग पर संक्षिप्त तो आपको टिप्पणी लिखनी है ये दो दो नंबर के हैं आगे अठारह नंबर क्वेश्चन आ जाता है वाहनों में ईंधन की खपत में बचत करने के उपाय आपको बताने हैं उन्नीस नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि ठोस कचरा प्रबंधन में गैसीकरण और पायरोलिसिस अदति से आप क्या समझते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन को आपको समझाना है 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु अर्जुन देव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कावूर पर एक टिप्पणी लिखनी है 23 नंबर क्वेश्चन ता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की नहीं? तीन आपको गुण बताने हैं नंबर उदारीकरण की प्रक्रिया से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और सजा में क्या-क्या भारत -क्या में, में निजीकरण की कोई दो चार आपको उपाय की संख्या लिखनी है आगे पच्चीस नंबर क्वेश्चन बैंकों से ऋण लेने के लिए आवश्यक शर्तों को बतानी है आपको छब्बीस नंबर क्वेश्चन आ जाता है विधि जागरूकता लाने के हेतु क्या उपाय किए जाते हैं सत्ताईस नंबर क्वेश्चन आया उन्नीसवीं सदी शताब्दी में बंगाल तथा पूरी भारत के में शुरू किए गए जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन को बताने आपको छः नंबर का है इसके अथवा तो में आ जाता है कि राजस्थान के जो प्रजा प्रजामंडलों की स्थापना के उद्देश्य उपलब्धियों का वर्णन करने हैं अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन आता है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की आपको रक्षा कैसे करता है ये सात नंबर का है इसके अथवा में आ जाता है अट्ठाईस नंबर के कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन का आपको वर्णन करना है आगे जो आ जाता है उन्तीस नंबर क्वेश्चन है विधानसभा अध्यक्ष कार्य तथा अधिकार लिखने आपको ये छह नंबर का इसके अथवा में आ जाता है उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारों की आपको व्याख्या करनी है और आगे तीस नंबर क्वेश्चन आ जाता है लास्ट क्वेश्चन कि मानचित्र आपको दर्शाना है कि भारत के जो रेखा ची, रेखा चित्र है में भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़े जो दो स्थलों को दर्शाना है आपको और जो किन्नी भारत के किन्नी जो रेखा है मानचित्र में किन्नी तीन तापे ऊर्जा संयंत्रों को आपको दर्शाने तो दोस्तों ये था आपके लिए आपका जो दसवीं कला की सामाजिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको इसकी पे चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैंने जो दसवीं के पार्ट जितने भी पार्ट हैं अध्याय हैं सभी मैंने आपको लगभग करवा दिए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाए हुए हैं उसमें से यही क्वेश्चन हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको वीडियो को देख लेना है पहले उसको देख लेना है और मैंने पार्ट भी बताए हुए हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं तो आपको पार्ट को पढ़ लेना है मैंने अपलोड कर दिए वीडियो लगभग तो देख लेना है तो दोस्तों ये था आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें